हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ लोहित जिंदल गाइस, एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ आईएनएमओ फ्लैशबैक। सो गाइस, ये वाली सीरीज़ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर आईएनएमओ क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2000। ओके, एंड इन ईच वीडियो वी आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन, राइट, वन बाय वन। सो एज आई हैव सेड इन द प्रीवियस वीडियोज़ कि उसका रीज़न यही है, सो दैट यू गेट सफिशियंट इनफ टाइम टू यू नो सॉल्व द क्वेश्चन एंड गिव अ प्रॉपर अटेम्प्ट, सो दैट यू आर एबल टू एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट मच बेटर, राइट। दैट्स वाई हम एक ही बार में इकट्ठे सारे वीडियोज नहीं बना रहे हैं। ओके, सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज लोहित जिंदल एंड आईव डन माई बी टेक फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर द पास्ट 9+ ईयर्स फॉर वेरियस मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, लाइक जहाँ पे मैथ्स यूज होता है, लाइक JEE, IIT JEE, KVPY एंड मैथ्स ओलम्पियाड स्पेसिफिकली, राइट। सो गाइज, आज का जो क्वेश्चन है दैट इज काइंड ऑफ यू नो बिटवीन नंबर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, मोर ऑफ नंबर थ्योरी प्लस एलजेब्रा, ठीक है। सो इफ यू थिंक अबाउट इट विल बी वेरी इजी, बट लेट मी शो यू द क्वेश्चन। ओके, एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, राइट। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज अवर क्वेश्चन। ओके, लेट मी रीड इट। ओके, so let me read it as well. If alpha is a real root of the equation x power 5 minus x cube plus x minus 2 equal to 0, we have to prove that alpha power 6 ka greatest integer, the square bracket represents greatest integer, is equal to 3. ये हमारा क्वेश्चन है, क्वाइट क्रिस्प, छोटा सा क्वेश्चन है ना, दिया भी हुआ है साथ में ब्रैकेट में, दैट सिंबल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज अंडरस्टूड टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग ए, राइट। सो गाइज, अब इसको सॉल्व कैसे करें, थोड़ा सोचने की स्टार्टिंग करते हैं, राइट। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आई सजेस्ट फॉर एवरी वन वॉचिंग दिस वीडियो, गाइज प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड प्लीज गिव दिस क्वेश्चन अ गुड अटेम्प्ट बाय योर सेल्फ। आप इसको 1 या 2 घंटे का टाइम जरूर दो, अगर हो रहा है तो। जल्दी हो जाए तो देखो, ऑफकोर्स इट्स मच गुड, मच बेटर, है ना। सॉल्व हो जाए तो उससे अच्छी बात ही नहीं है, ठीक है। बट प्लीज अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, डोंट सी द सोल्यूशन स्ट्रेट अहेड, मतलब ऐसा ना होगी, मतलब राइट अवे मतलब देख लिया क्वेश्चन का सोल्यूशन, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी थोड़ी देर 10-15 मिनट अटेम्प्ट किया और फिर सोल्यूशन देख लिया। गाइज, आई एम टेलिंग यू दैट वे इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। इफ यू आर सीरियसली कंसिडरिंग यू नो क्रैकिंग INMO, आई वुड सजेस्ट गाइज पॉज दिस वीडियो, स्पेंड सम टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो कई अलग अलग तरीके से, सोचो इसको अच्छे से, राइट। प्लीज ट्राई दिस आउट फॉर एटलीस्ट 1 or 1 to 2 hours, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं भी होता है तो सोल्यूशन देखो ना, यू विल गेट अ वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम दैट, बिकॉज आपको पता लगेगा कि क्यों आपका मेथड सही नहीं था, या फिर क्या पता आप थोड़ी क्लोज आ गए हो, है ना, एवरीथिंग दैट हैपेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से अपना एक अटेम्प्ट जरूर दो, ओके, देन ओनली वॉच दिस सोल्यूशन। ओके, सो गाइज, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, ओके जस्ट अ सेकंड गाइज, लेट मी कनेक्ट द पेन। ऑलराइट, सो गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी, देखो गाइज, अगर एक्स इस इक्वेशन का रियल रूट अल्फा है, सो देन सब्स्टिट्यूटिंग एक्स एज अल्फा शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट। दैट मीन्स अल्फा पावर 5 माइनस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0, राइट, ये बनना चाहिए। नाउ गाइज, यू कैन सी वन थिंग, 2 को एक साइड पे ले जाते हैं, राइट, लेट्स टेक दिस 2 टू द अदर साइड। ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है गाइस, इजंट इट एन अजीपी, अल्फा कॉमन निकाल लो, इट लुक्स लाइक अल्फा पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, उल्टे ऑर्डर में लिख लेता हूँ बेटर लगेगा, अल्फा कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4, लिखने का ऑर्डर चेंज किया बट टर्म्स वही है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 2, आई कैन राइट दिस वे। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि अंदर जो टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, ऑफकोर्स दोज आर इन जीपी, ठीक है, वो जीपी में है। अदरवाइज आप ये भी समझ सकते हो, इट्स लाइक वन ऑफ द टर्म्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा भी सोच सकते हो, वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। चलो एनीवेज, इसको जीपी मानते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज माइनस अल्फा स्क्वायर, सो जीपी के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, अल्फा तो बाहर पड़ा हुआ है, फर्स्ट रूट फर्स्ट टर्म इज 1 ऑलरेडी, तो 1 से मल्टीप्लाई किया ही हुआ है, ठीक है। सो दैट इज 1 माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर इज योर कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, देयर आर 3 टर्म्स, राइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर विच इज अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, अगेन दिस इज इक्वल टू 2,
सो गाइज अब देखो यहां से क्या आएगा, अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा पावर सिक्स राइट डिवाइडेड बाय वन प्लस अल्फा स्क्वायर राइट इज इक्वल टू टू। गाइज यहां से मैं एक चीज देख सकता हूं कि जो मेरा अल्फा है क्या वो नेगेटिव हो सकता है? सोचो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पे। सबसे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूं दैट द रूट अल्फा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट क्या विल इट बी अ नेगेटिव नंबर और अ पॉजिटिव नंबर। देखो राइट हैंड साइड पॉजिटिव है राइट, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेप इटसेल्फ दिस इज पॉजिटिव राइट, राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। वन प्लस अल्फा स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, वन प्लस अल्फा पावर सिक्स दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओनली डाउन लेफ्ट इज अल्फा। सो वुडेंट इट मीन दैट अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो? सिंपल से तरीके से ऐसे नहीं बोल सकता हूँ क्या? है ना, लेफ्ट साइड पे सिर्फ अल्फा के ऊपर साइन डिपेंडेंट है और राइट साइड पे पॉजिटिव है, सो दैट विल इंप्लाई दैट अल्फा इज पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक काम हो गया कि हमने ये प्रूव कर लिया पहले तो कि जो अपना रूट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और जीरो तो ऑफकोर्स नहीं है कि जीरो पुट करने पे तो फंक्शन जीरो हो नहीं रहा राइट। नाउ लेट्स फॉलो अप ऑन दिस। नाउ गाइस अब क्या कर सकते हैं, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग राइट। सो आई एम लेफ्ट विथ वन प्लस अल्फा पावर सिक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स वन प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा राइट। सो गाइज राइट हैंड साइड इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स डिवाइडेड बाई अल्फा, टू टाइम्स अल्फा प्लस वन बाई अल्फा बन गया ये। सो आई नो नाउ दैट अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा पावर सिक्स बाई टू, ये एक्सप्रेशन आ गया। एंड बाई गाइज नाउ अल्फा पॉजिटिव है और अल्फा प्लस वन बाय अल्फा इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन। नाउ सिंस कैन आई से अप्लाइंग ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ऑन अल्फा एंड वन अपॉन अल्फा, आई कैन से अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इज ग्रेटर देन टू। दिस इज अ मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है ना, अल्फा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू इफ एक्स इज पॉजिटिव, ये तो सबसे बेसिक लॉजिक है राइट। अगर आप एम जी एम अप्लाई करते हो राइट, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा बाई टू इज इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू विच इज वन, उसका स्क्वायर रूट वो भी वन आ जाएगा राइट। सो आई कैन राइट इट डाउन इफ यू वॉन्ट, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इसका स्क्वायर रूट। सो यू कैन सिंपली सी कि अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू दैट अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू राइट। सो गाइस लेकिन वन अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज वन प्लस अल्फा सिक्स बाई टू, सो आई कैन रिप्लेस दैट। ओके लेट्स रिप्लेस दैट, इसको थोड़ा अलग से कर देते हैं। सो वन प्लस अल्फा सिक्स बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू विच मीन्स वन प्लस अल्फा सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर विच इम्प्लाइज अल्फा सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। ठीक है, ऑल दो गाइज अल्फा पावर सिक्स इज ग्रेटर देन थ्री, एक्चुअली रीजन बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। देखो यहाँ पे इक्वालिटी साइन का बात है, मतलब अल्फा और वन अपॉन अल्फा अगर इक्वल होते हैं, मतलब अल्फा अगर वन होता है तब वो इक्वल टू टू होता है ना, बट आई नो इन दिस इक्वेशन इटसेल्फ कि अल्फा को वन डालने पे जीरो तो नहीं आ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू वन इज नॉट द सोल्यूशन, अल्फा कैन नेवर बी वन, क्योंकि अल्फा वन डालने पे इक्वेशन जीरो हो नहीं रही है राइट, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू वन इज नॉट अ रूट। तो अल्फा पॉजिटिव है बट अल्फा वन नहीं है राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कुड राइट अल्फा प्लस वन अल्फा इज एक्चुअली ग्रेटर देन टू, सो आप लिख सकते हो अल्फा पावर सिक्स इज ग्रेटर देन थ्री, है ना। सो ऑल्दो चलो अपने को ज्यादा मैटर नहीं करेगा तो लिखा रहने देते, फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में राइट, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, सो आप बोल सकते हो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टू है, नॉट इक्वल टू टू, है ना, इक्वल टू टू नहीं आएगा। तो गाइज लोअर बाउंड तो मिल गया मुझे, अल्फा पावर सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये तो पता लग गया, बट सिंस आई हैव टू प्रूव कि अल्फा पावर सिक्स इज इक्वल टू थ्री, उसका ग्रेटेस्ट डिजिट इज इक्वल टू थ्री, इसका मतलब इंपॉर्टेंट ये कि थ्री से बड़ा तो प्रूव हो गया, लेकिन नेक्स्ट पोर्शन जो प्रूव करना है दैट इज टू बी दैट इट इज नॉट ग्रेटर देन फोर, फोर से छोटा रहना चाहिए, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री बचेगा ना, थ्री से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है नहीं तो राइट। अल्फा पावर सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री मीन्स एनीथिंग, थ्री से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 4.7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो नाउ माई नेक्स्ट पर्पज इन दिस क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट अल्फा पावर सिक्स जो है वो लेस देन फोर है, अगर वो काम प्रूव कर लिया हमने तो अपना काम हो गया राइट। सो लेट सी, सो गाइज यहां पे सॉल्व करते हैं। सो एक काम करते हैं गाइज, दिस टाइम अराउंड सेम एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। कैन आई टेक अल्फा पावर फाइव एंड अल्फा ऑन वन साइड, सो दैट इज अल्फा टाइम्स वन प्लस अल्फा फोर राइट, इनिशियल इक्वेशन से शुरू करते हैं। राइट साइड पे क्या आ जाएगा, टू प्लस अल्फा क्यूब राइट, ये कर सकते हैं।
अब क्या करते हैं, अल्फा क्यूब से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। आई कैन डिवाइड दैट थिंग, अल्फा जीरो भी नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है डिवाइड करने में। सो इट विल लुक लाइक अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा पावर फोर बाय अल्फा क्यूब इज इक्वल टू टू प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब, राइट। ये बन गया। नाउ गाइस ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट डू आई हैव, अल्फा क्यूब बाय अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस टू बाय अल्फा क्यूब, इसको स्प्लिट कर दूंगा तो क्या बनेगा, वन प्लस टू अपॉन अल्फा क्यूब इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी स्प्लिट कर देते हैं, इट्स बेसिकली अल्फा स्क्वायर, देखो ये इसको कैंसिल करके स्क्वायर बन जाएगा और उसको डिवाइड भी कर दो, सो यू आर लेफ्ट विद अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर। सो गाइस अगेन द सेम प्रॉपर्टी, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम बट अप्लाइंग ऑन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर, राइट। दैट वुड सिंपली गिव मी दिस इज ग्रेटर देन टू, इस बार मैं मान के चलता हूँ क्योंकि अल्फा वन नहीं है, ना तो माइनस वन है अल्फा ना ही वन है ना, सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को। सो आई कैन से अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू, ये तो बहुत सिंपली बोल सकता हूँ। नाउ लेट्स सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, सो दिस विल बिकम वन अपॉन टू बाय अल्फा क्यूब ग्रेटर देन टू, दैट इंप्लाइज टू बाय अल्फा क्यूब ग्रेटर देन वन, तो गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट अल्फा क्यूब लेसर देन वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पॉजिटिव है पहले से अल्फा हमें पता है तो इसलिए स्क्वायर करके बोल सकता हूँ लेसर देन वन रहेगा, राइट। ओ सॉरी सॉरी दिस विल बी लेसर देन टू, राइट, आई रोट इट रॉन्ग, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो लेसर देन टू आएगा। सो नाउ क्यूबिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई विल गेट अल्फा पावर सिक्स लेस देन फोर, है ना, ये तभी वैलिड है, सिंपली ये तो वैलिड ही है ना, क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ अल्फा क्यूब नेगेटिव नहीं है तो स्क्वायर कर सकता हूँ, राइट, बोथ आर पॉजिटिव तो स्क्वायर कर सकता है इनइक्वालिटी का भी। सो गाइस सी दिस नाउ, आई हैव गॉट टू कंडीशंस, अल्फा पावर सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, अल्फा पावर सिक्स लेस देन फोर, राइट। सो कंबाइनिंग दीज टू प्रॉपर्टीज, दिस वन एंड दिस वन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो आई गेट टू नो दैट अल्फा पावर सिक्स इज लेस देन फोर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, राइट। इसका मतलब क्या, अल्फा सिक्स आपका थ्री से फोर के बीच में है, विच वुड मीन दैट अल्फा पावर सिक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट विल बी थ्री, जो हमारा प्रूव करना था हमें वो हमने प्रूव कर लिया, दैट अल्फा पावर सिक्स विल बी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी इक्वल टू थ्री। सी गाइस, तो इसके अंदर हमने कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, यू कैन सी दैट सिंपल कॉन्सेप्ट, सॉरी ये INMO का क्वेश्चन है गाइस। सो गाइस धीरे धीरे आप, अब आप देखो गाइस, डू थिंक अबाउट वन थिंग, वी हैव बीन सॉल्विंग फ्रॉम INMO 2000, ईयर 2000, राइट, 2000 किया, 2001 किया, 2002 किया, 2003 कर लिया, अब वी आर टू अप टू 2004, चार साल के पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड वी आर हाफ वे थ्रू ईयर 2004, ये थर्ड क्वेश्चन है 2004 का। सो गाइस इन ऑल दोज क्वेश्चंस, तो हमने अराउंड 27 क्वेश्चंस कर लिए INMO के, सो यू हैव ऑब्जर्व कि हमने कोई ऐसी कोई बड़ी खतरनाक सी थ्योरम नहीं की है भाई, सॉल्विंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से हो जाती है, राइट। तो अगर इफ यू आर वॉचिंग एंड इफ यू आर स्टूडेंट्स हु आर इन अवर बैचेस, यू कैन सी कि कोई नई बड़ी बड़ी नाम वाली थ्योरम जो आप सुनते रहते हो लोगों से, कोई बड़ी थ्योरम का यूज नहीं हो रहा, सिंपल वे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, वी आर ओनली यूजिंग ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, दैट्स इट, और क्या कुछ बड़ा कुछ यूज किया क्या, नहीं किया, एंड यू आर एबल टू सॉल्व दिस INMO क्वेश्चन। सो गाइज प्लीज फोकस ऑन यू नो कंसॉलिडेटिंग दोज कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रखे हो, पढ़ रखा है जो आपने, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का कोर्स है ना वो अगर आपने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अवर प्री INMO कोर्स, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया ना, यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर INMO एज वेल, इट्स जस्ट दैट कि प्रैक्टिस करनी है अच्छे क्वेश्चंस के और सोचना है बैठ के क्वेश्चंस पे, दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, कुछ और नहीं चाहिए, सिंसियरली टेलिंग यू दैट। अगर आप ये सोचते हो ना कि बहुत सारी अलग अलग थ्योरम्स बड़े बड़े नाम सोच के कि ये किया होगा तो ही होगा अपना सिलेक्शन, तो ही क्वालिफिकेशन होगा, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग अबाउट इट। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू आर लर्निंग, बहुत जरूरी है गाइज ये बात, एंड डू गुड क्वेश्चन, स्पेंड टाइम, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देख लिया, सोल्यूशन देख लिया, डोंट डू दैट, ठीक है। सो ये अप्रोच बहुत अच्छे से काम में आएगी गाइज, डू स्पेंड द टाइम अच्छे से, आपका अगर उतना लेवल हो जाएगा देन गो फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीखना नहीं है नई चीजें, बड़ी चीजें जो अलग अलग थियोरम्स की मैं बात कर रहा हूँ, but the thing is you should be able to solve such questions in more level questions by without using anything else, hai na, usse ho raha hai, hota hai, and they actually HBCSC wale bhi expect nahi karte hain ki aapko wo cheeze pata ho, to aise question nahi dete hain wo, theek hai, so please pay attention and try to spend time on such kind of questions. So guys I hope sabko samajh mein aaya question and maza aaya, kuch learn karne ko laga aapko ki aapne kuch learn kiya hai. I hope if you like this thing guys,
आपको समझ में आया, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमें बहुत बूस्ट मिलता है अगर हमारे सब्सक्राइबर्स चैनल्स पे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। सो वी थिंक वी फील कॉन्फिडेंट दैट ये दिस दैट वॉट एवर वी आर प्रोवाइडिंग गुड कॉन्टेंट, जो भी कुछ हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं इट इज गोइंग टू द मैक्सिमम पीपल, राइट? दैट्स इट। हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं लोगों में कि उनको मैथ्स ओलंपियाड के बारे में पता तो चले, राइट? सो यू कैन बी आवर एम्बेसडर्स गाइज। आप लोग अपने दोस्तों को बताओ, उनको इन्फॉर्म करो, उनको एजुकेट करो अबाउट मैथ्स ओलंपियाड, राइट? तो ऐसे ही पता लगेगा लोगों को, देखो आपको भी तो किसी ने बताया होगा, राइट? सो वी वॉन्ट यू गाइज टू बी अवर एम्बेसडर, नॉट अवर एम्बेसडर्स, इंडिया के एम्बेसडर हो यार। मतलब मैथ्स ओलंपियाड के बारे में बस इन्फॉर्म करना है, उसके हम लिए हमारे लिए कुछ नहीं करना है, राइट? सो यू शुड ट्राई टू इन्फॉर्म और एजुकेट एवरी वन, योर जूनियर्स ऑल्सो अबाउट मैथ्स ओलंपियाड, सो दैट दे गेट एक्साइटेड एंड यू नो ट्राई थिंग्स, ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स, तो मजा आएगा, तो सबका ही लेवल बढ़ेगा, राइट? ओके गाइज, थैंक यू एवरी वन। आई होप सबको मजा आया सेशन में और एंड यू लाइक टू लाइक दिस सेशन और आपको समझ में आया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? सो थैंक यू गाइज, विल कम बैक विद इन द नेक्स्ट सेशन विद द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ INMO 2004। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय गाइज, टेक केयर। सो गाइज, वी आर लॉन्चिंग अवर मैथ्स ओलंपियाड कोर्सेज फॉर दिस ईयर 2022। So with in which Abhay sir, Chetan sir and me, myself, Lohit Jindal will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course, guys. Okay. So first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept four sessions a week. हम वीक में चार सेशन रखने वाले हैं, नॉट थ्री एज वी प्रीवियसली डूइंग इट। तो चार सेशन रखेंगे जिसमें हम प्रेटी मच बेसिक्स से पिक करेंगे हर चीज़ को, ठीक है? इट विल गिव अस दैट मच टाइम, ओके? सो हम बेसिक से करेंगे, दैट द सेशंस विल बी फोर टाइम्स अ वीक। सेकंड थिंग, यू विल बी गेटिंग गुड असाइनमेंट्स, लाइक लेवल वाइज असाइनमेंट्स गोइंग फ्रॉम अंडर प्री आरएमओ लेवल टू आरएमओ लेवल इन दैट असाइनमेंट्स इटसेल्फ, राइट? तो लेवल वाइज असाइनमेंट होगा तो आप उसको इजीली अपना लेवल अप करते जा सकते हो, धीरे धीरे योर लेवल विल इंक्रीज ग्रेजुअली इन दैट, है ना? सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा। देन द थर्ड थिंग इज देयर विल बी डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम, ठीक है? तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, राइट? एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर विल बी टेस्ट्स, रेगुलर टेस्ट्स विद एग्जैक्ट सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ लेवल, रदर थोड़ा बहुत हायर रखते हैं बट प्रीटी मच द सेम लेवल एंड पैटर्न ऑफ प्री आरएमओ, सो दैट यू गेट एम्पल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग प्री आरएमओ पेपर बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, राइट? सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज कोर्सेज इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, आप लोग बाय कर सकते हो ये वाला कोर्स, राइट? सो दिस इज द प्राइसिंग फॉर द कोर्स गाइज, 20,000 कोर्स, द प्राइसिंग ऑफ द कोर्स इज दैट 20,000, बट सिंस वी आर स्टार्टिंग अर्ली, लाइक अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, सो वी आर ऑफरिंग स्टीप डिस्काउंट, 55% डिस्काउंट पे। द कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स इज 9,000 रुपीज, यू कैन गेट रजिस्टर्ड एंड गेट दिस कोर्स फॉर 9,000 रुपीज, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है? द मैक्सिमम स्टेज यू कैन गेट टू इन मैथ्स ओलंपियाड, एंड यू कैन अप्लाई दिस कोड LJPRO, ठीक है, टू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ एडिशनल 10% ऑन दिस 9,000 रुपीज, 8,999 के ऊपर आपको फर्दर 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप रजिस्टर कर सकते हो बैच के लिए अभी अभी से। सो इफ यू आर गाइज इंटरेस्टेड इन मैथ्स ओलंपियाड और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, सो यू गाइज दिस कोर्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, ओके? ऑलराइट गाइज, थैंक यू, बाय बाय।